सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, आज हम लोग फिर से पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो अपडेट है वो 20.6 के अपडेट तक पहुंच चुका है और 20.6 के अपडेट के बाद अब आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लाभार्थियों का न्यू फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी लाभार्थी हैं उनका अब आधार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों नहीं पड़ेगी, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, आधार वेरीफाई के बारे में भी पूरा प्रोसेस जान जाएं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहन क्या करेंगी कि पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगी। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे रजिस्टर बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि किस लाभार्थी को हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। आप जिस भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे सबका प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन का जो है एक रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन वाले कैटेगरी को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो इनका एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन, और उस लाभार्थी का हमें यहाँ पे डिटेल्स डालना है, जिस भी लाभार्थी का हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि जिस भी लाभार्थी का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस लाभार्थी का आधार का डिटेल्स आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे जो भी डिटेल्स डालेंगे वो सही डालेंगे, तभी आप लोग का यहाँ पे बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बार बार करना पड़ सकता है और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो आप लोगों को एरर भी देखने को मिला होगा। जो क्लाउड वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप लोगों को डाटा इनवैलिड देखने को मिला होगा, डाटा एग्जिस्ट देखने को मिला होगा। तो इस प्रकार के कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और सारी चीज़ें समझ जाना है कि किस प्रकार से जो लाभार्थी है उनका न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले उस लाभार्थी का डिटेल्स लेने के बाद उस लाभार्थी का नाम यहाँ पे ऐड करना है। जो भी नाम यहाँ पे ऐड करेंगे उस लाभार्थी का, उसके आधार के अनुसार ही आप लोगों को यहाँ पे वो नाम ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस लाभार्थी के हस्बैंड का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क यहाँ पे दिया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के नाम में, यहाँ पे आधार में और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में। ये तीन चीज़ें ऐसी है जिससे कि आप लोगों का जो लाभार्थी का आधार है वो यहाँ पे वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे गलती नहीं करनी है, सारी चीज़ें आधार के अनुसार ही यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, और जो जो स्टार मार्क दिया है वो भरना अनिवार्य है, इसलिए आप लोग को स्टार मार्क वाला जो ऑप्शन है वो खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे हस्बैंड नेम लिख लेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर आपको सही फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको यहाँ पे मैनुअल तरीका हटा दिया गया है, जैसे कि आप लोग टाइप करके यहाँ पे पहले लिख ले रहे थे, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग को यहाँ पे सीधे कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उस लाभार्थी के आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो सही यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही वो आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेंगे तो उस लाभार्थी का जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले होंगे उस लाभार्थी के मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में भी आप लोग स्टार मार्क देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो भी कैटेगरी है उस लाभार्थी का यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, तीन कैटेगरी दिया गया है, एससी, एसटी और अदर। जो भी उस लाभार्थी का कैटेगरी हो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, तो क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है नो, इसी पे सेलेक्ट रखना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या लाभार्थी का पहला प्रेगनेंसी है या दूसरा प्रेगनेंसी है। तो अगर पहला प्रेगनेंसी है तो आप लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर दूसरा है तो यहाँ दूसरा तीसरा जो भी हो तो आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हैज़ देयर बीन ए मिसकैरेज बिफोर, क्या उस लाभार्थी का पहले गर्भपात हुआ है, अगर हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उसका जो एलएमपी डेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मंथ ईयर जो भी हो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट टाइप पूछेगा कि वो लाभार्थी यहाँ पर परमानेंट रह रही है या टेम्प्रोरी रह रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे परमानेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। चलिए सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स फिल कर रखा है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे ऐड अनदर बेनिफिशियरी यानी दूसरे लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और गो टू होम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को करना क्या है कि जिस लाभार्थी को आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस लाभार्थी की कैटेगरी में वो नाम शो कर रहा है या नहीं, उसको सबसे पहले चेक करना है। तो हमने यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन में उस लाभार्थी का नाम ऐड किया है, तो उस लाभार्थी का नाम यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सुधा कुमारी के नाम से हमने यहाँ पे उस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ पे वो लाभार्थी नहीं दिखता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पे क्लाउड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसा कि अब आप लोग जिस भी लाभार्थी का जिस भी कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को इस क्लाउड वाले ऑप्शन में वो लाभार्थी का डेटा दिखाया जाएगा कि उस लाभार्थी का डेटा सही है या गलत है। अगर उस लाभार्थी का डेटा गलत होता है तो यहाँ पे आप लोगों को रेड कलर में कुछ साइन देखने को मिल सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आधार इनवैलिड हो सकता है, आधार एग्जिस्ट लिखा हुआ आ सकता है, या कुछ भी गलत होता है तो आप लोगों को यहाँ पे रेड कलर में वो आप लोगों को लाभार्थी का डेटा दिखा देगा। तो इसका मतलब है कि उस लाभार्थी का नाम अभी आप लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आधार जो है ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर उस लाभार्थी का सारा डिटेल सही रहेगा तो दोबारा आप लोगों को आधार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस भी लाभार्थी का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले उस लाभार्थी का आपका नाम क्लाउड वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, यानी एक्टिविटी लिस्ट में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। सारा चीज़ अगर सही होता है तो आप लोग यहाँ से उस लाभार्थी का जो नाम है उस कैटेगरी में यहाँ से भेज सकते हैं। अगर उस लाभार्थी का सारा डिटेल सही रहेगा तो यहाँ पे 0 के बदले आपको 1 एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। तो मान लीजिए कि आपके साथ भी इस प्रकार से अगर डेटा आप लोगों का गलत दिखा रहा है तो आप लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से इस लाभार्थी को फिर से डिलीट करेंगे और फिर से उनका नाम जो है कि जो बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी है वहाँ पर जाके फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और सारा डेटा मैच करेंगे। अगर सब चीज़ सही होगा तो आपको यहाँ पर सही देखने को मिल जाएगा। सारा डेटा सही होने के बाद ब्लू कलर का जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ओपन दिखेगा, यानी ब्लू कलर में पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपका जो लाभार्थी है वो आपके कैटेगरी में चला जाएगा और यहाँ पे एक एक्टिव ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट और जैसे ही करेंगे तो आपका जो लाभार्थी है उस कैटेगरी में चला जाएगा और आपका आधार ऑटोमेटिक ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब दोबारा आधार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप के इस नए अपडेट के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे पूछेगा क्या आप श्योर हैं कि इस लाभार्थी को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तो हाँ यस पे क्लिक करेंगे तो ये लाभार्थी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नो पेंडिंग रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से उस कैटेगरी में आ जाना है जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और इस बार आपको फिर से चेक कर लेना है कि उस लाभार्थी का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो मिसमैच होगा, जिससे कि आपका वहाँ पर वो जो लाभार्थी का डेटा है इनवैलिड दिखा रहा था। तो फिर से आपको आधार चेक कर लेना है। अगर उसने आधार में कोई अपडेट वगैरह कराया होगा तो उसको भी आप लोगों को पूछ है कि आधार में कहीं डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज कराया है या नहीं, नाम चेंज कराया है या नहीं। इस प्रकार से वहाँ पे आप लोगों को उस लाभार्थी से पूछ लेना है। ठीक है, तो फिर से उस लाभार्थी से पूछ के और सारे डिटेल्स वेरीफाई करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके लाभार्थी का आधार ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आई होप हमने आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दिया है कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के करनी है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।